इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। विदेशियों के लिए, विधर्मियों के लिए एक लंबा संघर्ष, प्रतिकार, बहुत बड़ा देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं कोई हो रहा युद्ध, लड़ाई, आक्रमण, उन सब का मुकाबला करते हुए ये देश कहीं न कहीं एक भी समय ऐसा नहीं रहा कि ये चुप बैठा हो, खामोश बैठा हो। और जिस भाव से वो लोग आए यहाँ लुटेरे बनकर, यहाँ उन्होंने सब ध्वस्त करने की कोशिश की, शोषण, अत्याचार, लूट, यहाँ की संस्कृति सभ्यता पर हमले, यहाँ की नालंदा तक्षशिला जैसी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, उनके पुस्तकालयों को कई कई महीने जहाँ पर आग लगने के बाद धुआं चलता रहा, ऐसा सब होता रहा। कुछ कमियां भी हमारी रही होंगी निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बराबर प्रतिकार न किया हो, मुकाबला न किया हो। कहीं कहीं किन्हीं कारणों से, कहीं कहीं किन्हीं कारणों से, और विशेषकर उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता था वो अपने ही किसी पास के राजा के द्वारा विदेशी के साथ मिल करके अपने ही देश के राजवाड़े को, राजा को तंग करना, गुलाम बनाने के लिए, उसको परास्त करने के लिए प्रयासरत रहना। ऐसे ऐतिहासिक कुछ गलतियां हैं जिनको हमें समझना भी होगा, शिक्षा भी लेनी होगी। लेकिन मुकाबला हुआ, प्रतिकार हुआ। मैंने अभी जो समय लिया है वो 190 वर्ष का, 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से 1947। इन इस 190 वर्ष के इतिहास में 7,32,000 एक आंकड़ा आता है कि इतने लोग इसके अंदर कुर्बान हुए, बलिदान हुए, निशावर हुए। लेकिन मैं उन क्रांतिकारियों के भी चर्चा कर रहा हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए, वो ये सहन नहीं कर सके कि भारत माँ उनकी प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, भारत माँ के पवित्र शरीर पर खड़ा होकर के विदेशी नंगा नाच नाच रहा है, अत्याचार कर रहा है, लूट रहा है, शोषण कर रहा है, गुलामी जैसा कलंक गहरा होता जा रहा है। जो जिन लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया और उनको पता था कि अंग्रेजों से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, भाई ये ताकत पर आए हैं, ताकत से ही जाएंगे, यद्यपि उनके पास बड़ी सेना हो गई थी अपनी कुछ कमजोरियों के कारण। उस सेना में लोग कौन थे भाई? इंग्लैंड से आए हुए, यूरोप से आए हुए, बाहर से आए हुए, ये तो अभी की बात कर रहा हूं। मुगलों की सेना के अंदर भी सारे के सारे बाहर से लोग नहीं थे भाई, यहीं के रजवाड़ों को साथ मिला करके वो मुगल बड़ी फौज, बड़ी सेना बन जाया करती थी। ये इतिहास समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहता हूं। लेकिन मेरा जो इस चैनल के द्वारा विषय है आप तक पहुंचने का, वो ये है कि उन वीर क्रांतिकारियों को जिन्होंने सर्वस्व निशावर किया परंतु उनको इतिहास में याद नहीं रखा गया, पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया। कोई भी देश, कोई भी समाज अपने पूर्वजों के किए हुए शौर्य वाले, वीरता वाले कार्यों से, अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते और उनके मार्गदर्शन और उनकी सब अच्छी बातों को लेकर के आगे बढ़ने वाला समाज और आगे बढ़ता है। परंतु यहाँ उन बुजुर्गों के साथ संबंध सारा तोड़ने का प्रयास हुआ। आजादी के बाद इतिहास लिखा कम्युनिस्टों ने, लिखवाया उन काले अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, इस देश की आत्मा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया सब कुछ। एक प्रयास मैं कर रहा हूं कि
जिन मौन तपस्वियों ने, क्रांतिकारियों ने, वीर सपूतों ने काला पानी की सजा, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, काला पानी में जो गए वो 98% वापस नहीं आए, वहां की मिट्टी में मिल गए, खप गए, पता ही नहीं चला, और कितनी भयंकर दंड यातनाएं अत्याचार, उनको हम याद नहीं करेंगे। और हमें बता दिया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी अंग्रेज की नहीं खाई, जेलें दोनों की VIPs थी, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था, ऐसे कुछ स्पॉन्सर्ड लोग मैंने शेख अब्दुल्ला, मौलाना आजाद, जिन्ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम मैंने समय समय पर आपके तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं। इतिहास के उन सारे पृष्ठों को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा भाई, गहरे पे डुबकी लगानी होगी। जो हुआ सो हुआ, अब जो हो रहा है, आज भी विदेशी अपने अलग अलग एजेंडे से, अलग अलग तरीके से इस देश को फिर काटने पर तुले हुए हैं, और इस देश का जो पुत्र रूप समाज है, हिंदू समाज, वो कब जागेगा, कैसे जागेगा, इसके लिए प्रयास यद्यपि कुछ संस्थाओं ने किया भी है, कर भी रही हैं, वो कुछ हद तक उस मामले में सफल भी हो रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती है, जितना बड़ा संकट है, और जितना स्वतः ही इस हिंदू समाज को जागना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उन विदेशियों के, विधर्मियों के एजेंडे सफल होते चले जाते हैं और हमारे द्वार तक मोहल्ले की अग्नि हमारे घर तक पहुंच जाती है, गांव गांव की पीड़ा जो है वो आगे बढ़ती बढ़ती जिला प्रदेश को लपेट में ले रही है। बंगाल आपके सामने है, यूपी में अगर योगी ना होते तो 5 पाकिस्तान यूपी में बन गए होते, असम का आपको पता है, जम्मू कश्मीर का आपने देख लिया है, लेकिन आज जो विषय है, 2-3 वीडियोस के बाद मैं गीत के माध्यम से उन सब क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देता हूं। गीत और कविता में भी कई बार इतना दम होता है कि वो बहुत बड़े बड़े भाषण से भी ज्यादा संदेश, मैसेज गीत और कविता देते हैं। तो वो सारे क्रांतिकारी जो पूरी तरह से तिल तिल कर जलते रहे और फिर किसी भी तरह से ना रुक करके चलते रहे, कांटों पर चलते रहे और हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में सब तरह के कष्ट सहते हुए, यातनाएं सहते हुए आगे बढ़ते रहे और अपना अंतिम सांस भी इसी संघर्ष में देश की सेवा के लिए और देश की आज़ादी के लिए लिया। ऐसे उन सब लोगों को आज स्मरण करेंगे एक गीत के माध्यम से। तो आइए आज हम वो गीत, ऐसे सब देशभक्ति के गीत, ऐसे उन सब महान क्रांतिकारियों को, जिस दिन मैं गीत देता हूँ उस दिन मैं किसी एक विशेष क्रांतिकारी को नहीं लेता, वो तो मैं आपके सामने ला ही रहा हूँ एक एक, उस दिन मैं मान के चलता हूँ कि ये गीत और ये कविता और ये भाव, ये सब उन महान मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, अज्ञात अल्प ज्ञात उन सब लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में उनके श्री चरणों में हम वंदन करते हुए आज ये गीत बोलेंगे। जीवन दीप वर्तिका तन की, स्नेह हृदय में भरना सीखे, दानवता का तिमर हटाने, तिल तिल कर हम जलना सीखे। जीवन दीप वर्तिका तन की, स्नेह हृदय में भरना सीखे, दानवता का तिमर हटाने, तिल तिल कर हम जलना सीखे। अमा निशासी घोर निशा हो,
अंधकार मैं दसों दिशा हो, अमान निशासी घोर निशा हो, अंधकार मैं दसों दिशा हो, झंझा के झोंके हो प्रतिपल, फिर भी अविचल चलना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम चलना सीखे, जीवन दीप वर्तिका तन की स्नेह हृदय में भरना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम जलना सीखे, बीहड़ बन चाहे नद नाले शैल भ्रंग भी बाधा डाले, बीहड़ बन चाहे नद नाले शैल श्रृंग भी बाधा डाले, कुछ कंटक युत पंथ विकट हो कांटों को हम दलना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम जलना सीखे, जीवन दीप वर्तिका तन की स्नेह हृदय में भरना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम जलना सीखे, स्नेह सुदापी जगती जीती स्तुति सुमनों से पुलकित होती, स्नेह सुधापी जगती जीती स्तुति सुमनों से पुलकित होती, निंदा गरल पचाकर प्रमुदित ज्वाला में हम पलना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम चलना सीखे, जीवन दीप वर्तिका तन की स्नेह हृदय में भरना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम चलना सीखे, तिमर ग्रस्त मानव बेचारे स्वार्थ मोह रजनी से हारे, तिमर ग्रस्त मानव बेचारे स्वार्थ मोह रजनी से हारे, प्राण प्रदीप प्रभा फैलाने कन कन कर हम जलना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम चलना सीखे, जीवन दीप वर्तिका तन की स्नेह हृदय में भरना सीखे, दानवता का तिमर हटाने तिल तिल कर हम चलना सीखे, तिल तिल कर हम चलना सीखे, जलते रहे कटते रहे गलते रहे कांटों पर चलते रहे, सब तरह की सुख सुविधाओं का त्याग करते रहे, यातनाएं सहते रहे, कष्ट पीड़ा हर प्रकार के फेजेस और स्टेजेस से गुजरते रहे, सी तक ने किया,
एक जन्म क्या, कई और जन्म लग जाएंगे तो लगा देंगे, लेकिन तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे जब तक भारत माँ स्वतंत्र नहीं हो जाती, जब तक हम भारत माँ की बेड़ियों को काट नहीं देते, और ये तब तक काम करते रहेंगे, दोबारा दोबारा जन्म लेते रहेंगे, फिर से आते रहेंगे और इन अंग्रेजों को यहां से भगाने तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अभी जो काल लिया है मैंने, वो अंग्रेजों का काल लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 और 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक 190 के आसपास मैं वीडियोस आपको भेज चुका हूं। और इसमें 95% मैंने क्रांतिकारी वो आप तक पहुंचाए हैं जिनको कोई नहीं जानता, जो कहीं नहीं इतिहास में पढ़ाए गए, लेकिन कुर्बानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या, ऐसे सब मौन तपस्वियों को, अज्ञात अल्पज्ञात ऐसे सब लोगों को आज हम वंदन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे और करते रहेंगे। और मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 700-800 ऐसे हीरो, नायक और नायिकाएं आप तक लाने वाला हूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।